हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर. अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर. द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गिवन है क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग स्फीयर जो कि न्यूट्रल है. सो दिस इज न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर. अब बच्चों, ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ? ये मेटल से बना हुआ स्फीयर है और न्यूट्रल मींस इस पर जो इनिशियल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है जीरो. अब इसको फिगर से समझ लेते हैं. दिस इज द न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर. तो इस पर इनिशियली जीरो चार्जेस हैं. अब इसके बाहर जब हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस करते हैं तो हमें फाइंड करना है कि इस स्फीयर पर नेट चार्ज क्या होगा. तो बच्चों, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो जब हम लोगों ने ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर से नॉन कॉन्टैक्ट स्टेज में पुट किया तब भी स्फीयर पर फाइनल चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो. उसका रीजन है कि इंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण इस स्फीयर के फ्रंट एंड पर अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे, दैट इज नेगेटिव क्यू, और इस स्फीयर के रियर एंड पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, दैट इज प्लस क्यू. सो अभी भी इस पर फाइनल चार्ज की वैल्यू है जीरो. So correct answer will be option number D. Thank you.